दोस्तों, यूजीसी अपनी न्यू अपडेट से हम सभी को चौंकाता रहता है, बट इस बार जो अपडेट है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, इन अपडेट्स को ना सिर्फ आपको सुनना है बट इसे समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय और अपने पैसे बचा पाए। क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इन अपडेट्स के बाद आपकी लाइफ में टू गेट दैट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का मोटो होने वाला है, इन अपडेट्स को हम अपने करियर में कैसे यूज करें, क्या बेस्ट स्टेप रहेगा इन अपडेट्स के बाद, जिससे कि आपका समय और आपका पैसा दोनों बचे, वही आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल में। अगर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, एंड ऑब्वियसली पेपर वन तो सभी के लिए कॉमन है, तो हमारी चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को टू गेट द इन डेप्थ वीडियो रिलेटेड टू एनटीए यूजीसी नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नया अपडेट आया है इसे आधा आधा समझा जा रहा है, मैं आपको इसे कंप्लीट आज बताने वाली हूँ ताकि आप इसका यूज कर पाए अपनी लाइफ में। देखिए, ये जो अपडेट है अभी लेटेस्ट आई है 6th of July, मतलब कि कल ही आई है, और आधी आधी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई जा रही है। क्या पूरी इंफॉर्मेशन है और कैसे हम इसको यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो कि एक एस्पिरेंट के पास नेट और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अब इस एलिजिबिलिटी को बदल दिया गया है, क्या नई एलिजिबिलिटी है ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल इस विज्ञप्ति के नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है हर वो कैंडिडेट, ठीक है, हर वो कैंडिडेट जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 डिग्री परसेंट है, प्लस उन्होंने नेट, स्लेट, ठीक है, या सेट क्लियर किया हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल है। मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं, पहले तो हम फॉर्म भी नहीं भर पाते थे अगर हमारे पास पीएचडी नहीं है नेट होने के बावजूद भी, ठीक है। तो अब ये मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। यहाँ पर दूसरा अपडेट साथ में ये भी दिया गया है, मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ पीएचडी है, ठीक है, उनके पास क्या है, पीएचडी है बट उनके पास नेट नहीं है, ये सेकंड कंडीशन। देखिए, पहली कंडीशन ये है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो पीएचडी तो है बट नेट नहीं है, ऐसे लोग भी सीधे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास नेट नहीं है, नहीं निकल पा रहा है आपका नेट, तो और आपने पीएचडी कर रखी है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी रिक्वायरमेंट्स निकली है उस यूनिवर्सिटी में। ये दो चीजें क्लियर है, ठीक है। अब इन दो चीजों को दोस्तों ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोग जिनका नेट नहीं निकल पाता है, ठीक है, जिन्होंने मान लेते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और उनका नेट नहीं निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो पीएचडी की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पीएचडी वो सेल्फ फाइनेंस्ड पीएचडी करते हैं जिसमें बहुत पैसा लगता है, ठीक है, और पैसा भी लगता है और आपके 4 से 5 साल भी लग जाएंगे मिनिमम मान के चलते हैं, है ना, इतने इयर्स आपके लग जाएंगे। तो दोस्तों, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अभी कि आप क्या क्लियर कर लें, पीजी के बाद जस्ट आप नेट, पीजी के सेकेंड ईयर से आप नेट की तैयारी स्टार्ट कर दें। नेट आप अगर 6 मंथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये नेट करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली बात है आपको कुछ सैलरी मिलेगी, उस सैलरी का यूज आप कर सकते हैं टू गेट दैट पीएचडी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो दो अपडेट है ना, इसको आप इस तरह से समझिए। अभी जो हमारे पास सबसे सेफ रास्ता होने वाला है वो कौन सा रास्ता है, नेट क्लियर कर ले, नेट के बाद हमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस हो गए हैं, सैलरी मिलेगी, उससे आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूट होते हैं,
मेजर इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, वहां पर विदाउट नेट तो वो पीएचडी के लिए भी आपको अप्लाई नहीं करने देंगे, है ना। ये जो केस मैंने बताया था इस तरफ, यहाँ पर जहां पर मैंने राइट बनाया, ये जो केस है नेट के बाद आप पीएचडी के लिए करें, ये स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं आज भी वहां पर ये फंडा फॉलो हो जाता है, है ना, कि डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन ले लें, ठीक है, और फिर नेट का रास्ता देखते हैं। बट अभी सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है, नेट करें, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ले, सैलरी ले, उससे पीएचडी करें। अभी आप सोच रहे होंगे कि पीएचडी की जरूरत क्या है। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एक लोअर कैटेगरी की हम कह सकते हैं कि जॉब है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, मतलब लोअर कैटेगरी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, टीचिंग में सबसे बेसिक लेवल की ये जॉब है। ऑब्वियस सी बात है, आप पूरी लाइफ टाइम आपका जो भी वर्किंग ड्यूरेशन रहेगा उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं रहना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप भी प्रमोशन चाहेंगे। प्रमोशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास पीएचडी है, राइट। तो उस पीएचडी को हासिल करने के लिए आप नेट क्लियर करें और नेट के बाद फिर पीएचडी करें। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो फिर बस, नहीं, आपको पीएचडी भी चाहिए, उसके बाद आपको रिसर्च पेपर भी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट सीधे अगर नेट नहीं निकल पा रहा है तो वो पीएचडी वाला जो रूट है वो दोस्तों आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद करेगा। मन लगा करके 6 महीने नेट की तैयारी कर लीजिए, मैं गारंटी दे रही हूँ आपका सब्जेक्ट कोई भी हो आप डेफिनेटली नेट क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, जब इलिजिबिलिटी नेट हो चुकी है तो यकीन मानिए नेट का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होगा, तो अपने आप को उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रखिए, ठीक है। तो चीजें क्या होने वाली है, नेट सबसे पहली प्रायोरिटी आपका नेट होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट निकल गया है ना, और सैलरी ले रहे हैं तो फिर अब आप पीएचडी जरूर करें टू गेट द प्रमोशन। तो अगर आप ये पाथ फॉलो करते हैं पीजी के बाद जस्ट नेट के लिए 6 महीने मन लगा करके, तो डेफिनेटली आप अपने 4 से 5 साल और बहुत सारे पैसे दोस्तों उसमें बचाने वाले हैं। डायरेक्ट पीएचडी के लिए किसी गाइड से बात करके वो वाला पाथ आप फॉलो करेंगे, आपका समय और पैसे दोनों बर्बाद। तो आई होप इन अपडेट्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है आप समझ पाए होंगे। यही मेरा उद्देश्य था कि आप इम्पॉर्टेंस समझे। कई बार नहीं निकल पाता है नेट तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेट नहीं निकल रहा है, मैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए चला जाता हूँ। बट दोस्तों, उसमें आपका 4 से 5 साल चले जाएंगे, आपका बहुत सारा पैसा उसमें लग जाएगा, एंड ऑफकोर्स इस स्टेज ऑफ लाइफ पर आपको पैसों की बहुत जरूरत होगी। आपको फैमिली को मेंटेन करना है, आपके पेरेंट्स की टेक केयर करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस बात को फॉलो कीजिए, 6 महीने दीजिए, डेफिनेटली आप जो कुछ चाह रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आप जरूर बनेंगे, ठीक है। इस दौरान अगर आपके कोई भी डाउट रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उनके आंसर मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को दूंगी। थैंक यू सो मच, सून वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।